जी हाँ दोस्तों, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का मुकाबला काफी रोमांचक था, जहां आखिरी ओवर में चाहिए थे जीत के लिए वेस्ट इंडीज को 25 रन। उसके बावजूद भी वेस्ट इंडीज की टीम सिर्फ और सिर्फ 8 रन से हारी। तो क्या हुआ उस आखिरी ओवर में, चलिए दोस्तों आपको पूरा रोमांच बताते हैं आखिरी ओवर का। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पा सके। हर्षल पटेल के हाथ में थी गेंद, सबकी सांसें थी थमी और सामने थे रोमन पॉल और किरण पोलार्ड जैसे खतरनाक बल्लेबाज, जिनका हर बल्ला उठता है तो सिर्फ छक्के के लिए उठता है। चौके सिंगल से तो ये डील जल्दी करते नहीं है, तो यहां पर आखिरी ओवर में जीत के लिए 25 रन यानी कि 4 बड़े हिट और एक सिंगल की आवश्यकता थी वेस्ट इंडीज को इस सीरीज को बराबर करने के लिए। लेकिन हर्षल पटेल पर भरोसा जताते हुए, जिन्होंने पिछले कुछ सालों से भारतीय टीम में ना रहते हुए भी आईपीएल के कई मुकाबलों में ऐसे रोमांचक मुकाबले अपनी गेंदबाजी से जिताए, तो सामने रोमन पॉल थे दोस्तों, जो बेहतरीन अपने अर्धशतकीय पारी के बाद खेल रहे थे, और उनके सामने थे हर्षल पटेल। पहली गेंद पर आता है सिंगल, यॉर्कर जोन में होती है वो गेंद, पहली गेंद पर सिंगल के बाद सामने आते हैं किरण पोलार्ड, यानी कि एक से बचे तो दूसरे के सामने आए खड़े हो गए। लेकिन पोलार्ड कुछ थके थके से नजर आए, कुछ थमे थमे से नजर आए, उन्होंने भी यहां पर छक्के की कोशिश की लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल मिल पाया। अब मैच की तीसरी गेंद थी और सबकी सांसें थमी हुई थी, अभी भी यहां पर जीत के लिए 23 रन की आवश्यकता थी 4 गेंदों में। और ये क्या होता है, अचानक से दोस्तों रोमन पॉल का बल्ला उठता है हर्षल पटेल की गेंद पर, फुलर लेंथ डिलीवरी पर शानदार छक्का जाता है ये, और ये सब देखकर हर कोई चिल्ला पड़ते हैं कि जरूर कुछ बड़ा मैदान पर घटने वाला है। इसके बाद इस गेंद पर छक्का जाने के बाद यहां पर अभी भी 17 रन की आवश्यकता होती है 3 गेंदों के अंदर, और एक और छक्का इस बीच जड़ देते हैं रोमन पॉल। अब 2 गेंदों में 11 रन की आवश्यकता थी दोस्तों। किस तरीके से इस लेंथी गेंद को रोमन पॉल ने बाउंड्री के बाहर भेजा, रोहित शर्मा जस्ट हैज एग्नोई ऑन हिज फेस, उनका चेहरा देखने लायक था रोहित शर्मा का रोमन पॉल का ये छक्का देखकर। अब कहीं ना कहीं दोस्तों भुवनेश्वर कुमार को आना पड़ा बात करने के लिए, चैंपियन बॉलर है रोहित शर्मा भी आए हर्षल पटेल के पास बात करने के लिए। 2 गेंदों में 11 रन की आवश्यकता थी, सामने अब भी रोमन पॉल अपनी तबाही मचा रहे थे, जीत के लिए सिर्फ 11 रन 2 गेंदे। हर्षल पटेल की 5वीं गेंद आती है और बल्ले पर लगती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल आता है। सबकी सांसें थमी थी, वो रुक सी जाती हैं, क्योंकि इसी सिंगल के साथ टीम इंडिया सीरीज जीत जाती है। क्योंकि अब आखिरी गेंद पर बचे 10 रन तो बनने से रहे, तो एक सिंगल पोलार्ड लेते हैं और 8 रन से टीम इंडिया ये मुकाबला जीत जाती है। दोस्तों ऋषभ पंत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना जाता है, क्योंकि वो 28 गेंद में 52 रन की बेहतरीन पारी खेलते हैं। विराट कोहली का 41 गेंद में 52 रन बनाते हैं। वेंकटेश अय्यर भी 18 गेंदों में 33। तो मैं वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाजों की बात करें, 41 गेंदों में 62 रन निकोलस पोरन, 36 गेंदों में 68 रन रोमन पॉल, 4 चौके 5 खूबसूरत छक्के की बदौलत मारते हैं। लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने 19 ओवर में पूरा मैच पलटा था, वहीं से दोस्तों मैच में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया था। लेकिन ये आखिरी का ओवर सबकी सांसें रोक देने वाला था, जब 2 छक्के गए थे उसके बाद लग रहा था वेस्ट इंडीज़ ये मैच जीत जाएगी, लेकिन टीम इंडिया मैच जीत चुकी है और 20 तारीख को आखिरी T20 होना है, जिसमें ऋषभ पंत और कोहली नहीं खेलेंगे। नेक्स्ट